Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Seemes Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by single entry system. बच्चे आज के जो टॉपिक हम लोग का है हम लोग समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को समझें। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं वो बेसिकली उसको तीन कैटेगरी में रखा गया है, या यूं कहें कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। एक जो पहला है वो तो आपका सिंगल हो गया, दूसरा आपको डबल हो गया और तीसरा कैश हो गया। हालांकि चौथा का भी जिक्र किया गया, बहुत सारे बुक में हम पढ़े हैं कि चौथा भी सिस्टम था जिसको हम लोग इंडियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हालांकि उसका हम जिक्र अभी नहीं करेंगे। बेसिकली ये तीन समझेंगे। तीन का मतलब ये है कि सिंगल जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो बिजनेस जो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किसी एक अकाउंट पर भी पड़े, किसी दो पर भी पड़े, या हो सकता है वो कहीं पर भी ना पड़े। जो साइंटिफिक है वो तो डबल एंट्री सिस्टम है और जो अनसाइंटिफिक है सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो और कैश सिस्टम की बात है कि हम लोग देखे हैं, गाँव घर में भी देखे हैं कि जब जनरली बिजनेसमैन ये सोच कहता है कि भाई हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम लोग कैश ही ट्रांजेक्शन करेंगे, मीन्स ये हुआ कि वो उधार लेन देन नहीं करेगा। यानी कैश सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वो कैश में ही इसको ट्रांजेक्शन को करेगा, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने वालों की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो जो मेरा दो टॉपिक है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो पहला तो बच्चे ये है कि डबल एंट्री सिस्टम ये मुझे बताता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड देन अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। मतलब वहां पर फिक्स है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा एटलीस्ट, लेकिन ऐसा फिक्स इस सिस्टम में नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि इसमें किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट पर भी पड़ सकता है, किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो पर भी पड़ सकता है और किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किसी अकाउंट पर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग दूसरे डिफरेंस में समझेंगे। तो सिंगल और डबल इसमें इसलिए कहा जाता है, ये तो पहला तो ये तो सिंगल जो है वो अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन का दो एक या कहीं पर भी नहीं पड़ता है, जबकि इसमें एटलीस्ट टू अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है कि अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, मतलब सभी प्रकार के अकाउंट को ये मेंटेन नहीं करते हैं। यही रीजन है कि इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो पर नहीं पड़ता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन। अच्छा, एविडेंस अगर आप कहीं कोर्ट में जाओगे, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना चाहते हो कोर्ट से, तो कोर्ट जब है आपको डेटा देखेंगे, अगर आपके डेटा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है तभी आपके डेटा को वो वैलिड करेंगे, यानी कोर्ट से आपको एविडेंस के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हो जब आप अपने बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन किए हो, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके तैयार किए हो। लेकिन अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम पर लेकर के जाओगे तो कोर्ट उसको एविडेंस के रूप में नहीं मानेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम ये जो रिजल्ट शो करता है वो एक्चुअल रिजल्ट को डज नॉट शो द एक्चुअल रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये एक्चुअल रिजल्ट को शो नहीं करता है, क्योंकि इसका तो भाई कभी एक पर भी पड़ता है, दो पर भी पड़ता है और तीन पर भी पड़ता है, या कहीं पर भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये एक्चुअल रिजल्ट शो नहीं करता है और जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके रिजल्ट शो करता है तो वो एक्चुअल रिजल्ट होता है, तभी तो एविडेंस के रूप में हम कोर्ट में क्या कर सकते हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना संभव नहीं है। ट्रायल बैलेंस जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग जानते थे, क्योंकि जो दो अकाउंट होगा एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, वहीं पर ट्रायल बैलेंस बनाना क्या है पॉसिबल है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, जबकि इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब कम खर्चीला होता है, अर्थात कि इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही लार्ज स्केल पर किसी अकाउंटेंट को हायर करने की आवश्यकता होती है। जूनियर अकाउंटेंट भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। और जो सीए हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, वो जो मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सबका उन लोगों का तो पैकेज भी तो अच्छा होता है ना। तो आप बच्चे इसको समझ लो कि जहां पर जैसे कंपनी हो गया, एक्ट है 1956 जो अमेंडमेंट 2013 हुआ, अब उसमें कंपलसरी कर दिया कि हर एक कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना नेसेसरी है। लेकिन जो हमारे गांव में जो दुकान है या हमारे जो छोटे मोटे जो होलसेलर है वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतना सैलरी या उतना पैकेज देना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अकाउंट तो मेंटेन करते हैं, तो वो जूनियर अकाउंटेंट से अपना काम चला लेते हैं। तो जहां पर सीनियर अकाउंटेंट मतलब जो जिसका बिजनेस लार्ज स्केल, ये भी बच्चे डिफरेंस हो गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो फॉलो करते हैं वो स्मॉल स्केल पर करते हैं, और जो लार्ज स्केल पर जिसका बिजनेस होता है वो किसको हायर करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो कंपलसरी है या मैंडेटरी है। तो ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जूनियर अकाउंटेंट जिसको कि अकाउंट की ना के बराबर में जानकारी है, ऐसे भी कर सकते हो, वो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को। लेकिन जिसको अकाउंट की जानकारी अच्छी है, ज्यादा है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तब तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो ये भी डिफरेंस है कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग को नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मुझे फाइनल अकाउंट बनाना अनिवार्य है, तभी आप प्रॉफिट लॉस को क्या करते हो। लेकिन ऐसा अनिवार्य, ऐसा कंपल्सरी सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला कहता है कि भैया आप 5 लाख रुपया लगाए, 6 लाख मेरा कैपिटल हो गया, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपया हो गया। यानी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। दो डिफरेंट मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंगल एंट्री सिस्टम में। कौन कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, इसी को हम लोग कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। ये हम लोग को समझना है। ये देखो, एक है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, दूसरा है कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड सिंपल कहता है इसमें कि प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। जैसे भी हम एग्जांपल भी बताएं कि बच्चे हम 5 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस का जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा 6 लाख रुपया हो गया, तो हम आराम से कह सकते हैं कि हम बिजनेस में कितना अर्न किए? 1 लाख रुपया। ये कहता है मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम कि सिंपल फॉर्मूला 6 लाख माइनस 5 लाख यानी 1 लाख रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो एक फॉर्मूला और है इसका और करके कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, यू नो दैट क्लोजिंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइंग? तो ड्रॉइंग मीन्स कहता क्या है कि अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर क्या? सेल्फ यूज, डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज। यानी किसी भी बिजनेस के ओनर के द्वारा जब अपने निजी खर्च के लिए कुछ भी पैसा बिजनेस विथड्रॉ किया जाता है वही उस बिजनेस का ड्रॉइंग कहलाएगा। तो ये हो गया ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। तो समझ में आया कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो प्रॉफिट जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम से के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तो दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा क्या? कन्वर्जन मेथड। तो अभी हम लोग डिस्कशन किए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। अब जब प्रॉफिट आप निकालोगे तो इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म कर देंगे कि हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ, जिस बिजनेस करेगा उसका नाम दे देंगे, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट रहेगा वो कर देंगे, और फिर उसके बाद सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग, फिर उसमें से लेस एडिशनल कैपिटल, फिर लेस ओपनिंग कैपिटल। इस तरह से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल लेंगे और फिर प्रैक्टिकल लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।